देख लिए जाए, 14 नंबर में इंटीग्रेशन निकालना है 0 टू 2 पाई कॉस का पावर 5x dx। तो हमने एक और प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है, कैसा प्रॉपर्टी था जी? तो हमने देखा था कि अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा 0 टू 2a का, फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में 0 टू 2a आपका लिमिट है, तो इसके दो हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा 2 इंटू 0 टू a fx dx, कब? यदि f 2a माइनस x जो है आपके fx के इक्वल हो जाए, और इसी का वैल्यू जीरो हो जाएगा यदि f 2a माइनस x का जो वैल्यू होगा वह माइनस के fx के इक्वल हो। ठीक है, माइनस के fx के इक्वल हो। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे इस फंक्शन को मान लेता हूं cos के पावर 5x है ना, इसको fx मान लेता हूं, fx बराबर में cos का पावर 5, fx बराबर में cos का पावर 5x। तो यहाँ पे f 2 पाई का वैल्यू, 2 पाई माइनस x निकालते हैं, है ना, 2a माइनस x हो जा रहा है, यहाँ 2 पाई है तो 2 पाई माइनस x निकालते हैं, तो cos का पावर 5 2 पाई माइनस x, 2 पाई, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 2 पाई की बात करेंगे, x x डैश y और यहाँ पर y डैश, यही ना होगा, 2 पाई माइनस एक्स जो है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 1 पाई 2 पाई माइनस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, यानी ये कॉस का पावर 5x हो जाएगा, यानी कि fx के बराबर, यानी पहला वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई किसका, कॉस का पावर 5x का, क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, एक जगह आ जाएगा पाई, यहाँ 2 पाई होते हैं, पाई आ जाएगा, और फंक्शन आपका कॉस का पावर 5x। अच्छा, फिर से इस फंक्शन को, अगले फंक्शन को मैं gx मान लेता हूं, और फिर अब इसके अनुसार चलता हूं g पाई माइनस x लेकर, तो cos का पावर 5 पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा जो कि निगेटिव हो जाएगा, cos का पावर 5x यानी कि माइनस के gx के बराबर आ जाएगा, यानी सेकेंड वाले रूल पे, तो सेकेंड वाले रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 ये पहले से, और ये हो जाएगा 2, इसका जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0, यही हमें निकालना था इंटीग्रेशन। मैंने यह दो बार मैंने रूल अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है, एक बार यहाँ ले आया और फिर से यहाँ पे इसे फंक्शन मान के और चेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इसके अपर लिमिट को लेकर, यहाँ भी तो ही कर रहे ना, अपर लिमिट को लेकर, अपर लिमिट को लेकर हम लोग कर रहे हैं, तो उसी तरह से इस फंक्शन के अपर लिमिट पाई ही है, 2 पाई की जगह यहाँ पाई है, तो यहाँ 2a था, यहाँ सिर्फ पाई है, तो पाई को ही लेके हम लोग चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस के जीएक्स के बराबर आ जा रहा है, ट्रीटमेंट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। चलिए अगला।